हाई प्रेंट आज स्टूडियो में बात करने वाले हैं ईसेस चीजिया टी टेन लीग का आज का जो सेकंड मैच और मैच नंबर 7 होगा जो खेले जाने वाला है पीआरटी वर्सेस पीआरबी के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला आज दोपहर 2:30 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। वेन्यू देखें सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें आर्टिफिशियल विकेट है। एवरेज इसको 90 से 100 के बीच में बनने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देखें तो टोटल यहाँ पर अब तक ना 5 मैच कंप्लीट हुए हैं। 2 मैच जीते बैटिंग फिलहाल ने 3 मैच में चेंज हुए हैं। यानी यहाँ पर जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी ना उसे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें पीआरटी की टीम की। तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज यूट्यूब चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है। और टेलीग्राम से जो उन्होंने आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ही आपका अपडेट और फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरे जहाँ कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे कमेंट पर क्लो आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर ले पीआरटी की टीम की तो यहाँ से देख सकते हो इस टीम का आज ये फर्स्ट मैच होगा तो काफ़ी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है तभी बेहतर टीम बना पाओगे। तो ओपनिंग नहीं आ सकते हैं यहाँ से इमरान भट्ट और नोमान तारिक। इमरान भट्ट की बात करें टी टेन के 9 मैच में 108 रन 13 का एवरेज है। रिसेंट में 22-0-9-15-0 रन है। नोमान तारिक टी ट्वेंटी के 2 मैच में 23 रन 0 विकेट। सागर हुसैन की बात कर लें 2024 में टी टेन के उन्होंने 4 मैच खेले 34 रन बनाए 0 विकेट हैं। रिसेंट में इनका काफ़ी अच्छा लगा मुझे 17-2-8-9-19-0-7 रन है। यहाँ से आते हैं अरशद हुसैन की बात कर लें टी ट्वेंटी के 8 मैच में 53 रन 0 विकेट है। इम्तियाज रियाद टी टेन के 4 मैच में 9 रन रिसेंट में 9 बैटिंग और 8 रन है। यहाँ से आता है कौशल अहमद की बात कर लें टी टेन के 4 मैच में 29 रन 9 का एवरेज है। रिसेंट में 10-2-16-1 रन है। सोजी मियाँ टी टेन के 2023 में 14 मैच में 274 रन 1 विकेट है। रिसेंट में 0-5-45-13-42-1 विकेट है। जाहिदुल इस्लाम टी ट्वेंटी के 5 मैच में 3 विकेट। यहाँ से आता है अमीन हुसैन की बात कर लें 2023 में टी टेन के उन्होंने 14 मैच खेले 123 रन बनाए 8 विकेट निकाले हैं। रिसेंट में 0 रन 3 1 विकेट 9 4 विकेट 7 रन 14 1 विकेट है। यहाँ पर इनका बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों का स्कोर ना काफ़ी बेहतरीन है। महदी आलम टी ट्वेंटी के 9 मैच में 58 रन 12 विकेट हैं। यहाँ से आते हैं अरमान भुइयान की बात कर लें टी टेन के 2023 में 2 मैच खेले 5 रन 1 विकेट है। रिसेंट में यहाँ पर देख सकते हो आप 0 विकेट 7 रन 1 विकेट और 0 विकेट हैं। बात कर लें बेंच की। बेंच में जैसे यहाँ से ना अजहर आलम आ जाते हैं 2023 में टी टेन के इन्होंने 14 मैच खेले 59 रन बनाए 10 विकेट निकाले हैं। रिसेंट ऑफ 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट है। यहाँ से आता है शरीफ की बात कर लें टी टेन के 10 मैच में 3 विकेट रिसेंट ऑफ 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 1 रन है। कपिल कुमार की बात कर लें 2022 में इन्होंने टी टेन के 8 मैच खेले 23 रन हैं 3 विकेट हैं। रिसेंट ऑफ यहाँ पर एक ही मैच में 1 विकेट निकाला है बाकी 4 मैचों में रिकॉर्ड डाउन है। तंजीर हुसैन की बात कर लें टी टेन के 5 मैच में 0 रन। सफेल इस्लाम टी टेन के 3 मैच में यहाँ से 0 रन है। राशिद भुइयान की बात कर लें टी टेन के 3 मैच के लिए 1 रन है 1 का एवरेज है। रकीब हुसैन टी ट्वेंटी के 2 मैच में डिन नॉट बैट हैं। सहरियान यहाँ से नफीज की बात कर लें टी टेन के 1 मैच में डिन नॉट बैट हैं। यहाँ से आते हैं उज्ज्वल हुसैन की बात कर लें टी टेन के 1 मैच खेला 0 रन बनाए। आसिफुल काजी टी ट्वेंटी के 1 मैच में 2 विकेट 4 ओवर डाल के। इब्राहिम हुसैन की बात कर लें टी ट्वेंटी के 1 मैच में डिन नॉट बैट हैं। जसीमुद्दीन यहाँ से टी ट्वेंटी के 13 मैच खेले 8 विकेट निकाले 22 ओवर डाल के। रिजाउल हक टी ट्वेंटी के 1 मैच में 8 रन है। मसूद मियाँ टी ट्वेंटी के 15 मैच खेला 200 रन बनाए 15 विकेट निकाले 53 ओवर डाल के। बाकी प्लेयर हैं जिनके स्टेट्स अवेलेबल नहीं हैं। देख लेते हैं यहाँ से दूसरी टीम की बात। यहाँ से स्टार्टिंग और डेथिंग देख लें। स्टार्टिंग और डालेंगे यहाँ से अमीन हुसैन, यहाँ से जैदुल इस्लाम। डेथ को डालेंगे यहाँ से मेहदी आलम आलम, यहाँ से अरमान भुइयान। जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिमिनेट रहने वाले हैं। बात करें दूसरी टीम पी आर बी की तो यहाँ से ओपनिंग करने आज जाते हैं देख सकते हो देवेंद्र सिंह और हरदीप मैदाव। देवेंद्र सिंह की बात करें 2023 में टी टेन के 26 मैच में 472 रन 27 के एवरेज हैं। रिसेंट में 0-1-16-9 बैटिंग 9 बैटिंग है। हरदीप मैदाव टी ट्वेंटी के 5 मैच में 87 रन 21 का एवरेज है। जग निवासन की बात कर लें 2024 में टी टेन के इन्होंने 3 मैच खेले सिर्फ 7 ही रन ये बना पाए हैं। अरुण आजीमन की बात कर लें टी ट्वेंटी के 14 मैच में 101 रन 6 विकेट 30 ओवर डाल के। मुरलीधर की बात कर लें टी ट्वेंटी यहाँ से टी टेन के 2023 में 8 मैच खेले 104 रन बनाए 0 विकेट निकाले हैं। रिसेंट में खास अच्छा नहीं है।
यहाँ से आते हैं वामसी मदी सेट्टी की बात कर ले, 2023 में 14 मैच में 82 रन। यहाँ से त्रिपुरारी लाल 2023 में यहाँ से टी10 के ना 20 मैच खेले, 26 रन बनाए, 7 विकेट निकाले, 33 ओवर डाल के। यहाँ से विरसांत दसदी की बात कर ले, टी20 के 6 मैच में 9 रन। पीयूष वेस्ट की बात करें, टी10 के 2 मैच में 0 विकेट, जैसे नाम 0 विकेट 0 विकेट हैं। मयंक पुरोहित की बात कर ले, टी10 के 7 मैच में 4 विकेट हैं, जैसे नाम 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट हैं। कुशाग्र भटनागर की बात कर लें, टी10 के 2023 में 2 मैच में डिनोट बैट हैं, बाकी रेशनोम यहाँ पर एक ही मैच में 3 विकेट निकाले, बाकी पूरे 4 मैच में ना नो बैटिंग रही है। बात कर लें बेंच की, बेंच में जैसे यहाँ से रोहित गोली आ जाते हैं, टी10 के 2023 में 7 मैच में 46 रन, 4 विकेट हैं, रेशनोम 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट हैं। प्रताप जगताप टी10 के 2022 में 1 मैच में डिनोट बैट हैं। यहाँ से आता नील पांड्या की बात कर लें, टी10 के 1 मैच में 0 विकेट। प्रदीप की बात कर लें, टी10 के 11 मैच खेला है ये, 50 रन बनाए, 0 विकेट इन्होंने निकाले हैं। अनुराग देसाई टी20 के 3 मैच में 1 विकेट। अश्विनी एम देव की बात कर लें, टी20 के 4 मैच में 4 विकेट। यश भगत टी20 के 7 मैच में 2 विकेट हैं, 9 ओवर डाल के। बात कर लें स्टार्टिंग और डेथिंग की, तो स्टार्टिंग को डालेंगे यहाँ से मयंक पुरोहित और पी वेस्ट, डेथ को डालेंगे यहाँ से मुरलीधरन, यहाँ से मयंक पुरोहित, पी वेस्ट। जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके मिनट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते हैं अपने डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते हैं अपने डेमो टीम की तरफ। यहाँ पर डेमो टीम देख ले, डेमो टीम में अपने विकेट कीपर सेक्शन से करने वाला वी मध्य सेट्रिक को, यहाँ से डी सिंह को, बैटिंग सेक्शन से ए नोमान को, ऑलराउंडर सेक्शन से ए हुसैन, एम साई को, एस हुसैन, आर गोयल, एस मिया को, बॉलिंग सेक्शन से ए आलम, टी कल्याण लाल को, पी विष्ट को, कैप्टन करूँगा ए हुसैन को, वाइस कैप्टन करूँगा एम साई को यहाँ से। बट ये मेरी फाइनल टीम ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना इस टीम का आज ये फर्स्ट ही मैच होने वाला है, तो बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इस मैच में अच्छी विनिंग करनी है ना, तो आपको जरूर से जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर जुड़ना आपके लिए फ्री है। और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्कशन में और दूसरा जहाँ कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर भी आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे कमेंट पर क्लिक करो, आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लिक, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। फ्रेंड धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।